ये हमारा लेसन नंबर 14 है, मेकिंग टेबल इन इन पेज, यानी इन पेज में रहते हुए टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। अगर हम किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, ख्वाह वो इंग्लिश की हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या वो उर्दू की हो जैसे हमारा इन पेज 2004 एक्सपी वर्जन या 2000 वर्जन, तो हम जानते हैं कि टेबल बनाने की वजह से हमें बहुत आसानी हो जाती है अपने काम को करने में। अगर हमने कोई रिजल्ट बनाना हो, कोई रिपोर्ट बनानी हो, कोई आपने अकाउंट बनाना हो, या कोई भी आपने लिस्ट बनानी हो, कोई फेरिस वगैरह बनानी हो, तो टेबल की वजह से हमें बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि टेबल का हर सेल जो है वो अपनी एक अलग प्रॉपर्टी रखता है राइट लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट के लिहाज से और टेक्स्ट की पोजीशन के लिहाज से। तो अब हम एक नया पेज बनाते हैं और उस पर हम देखते हैं कि टेबल किस तरीके से इन पेज में रहते हुए बनाया जाता है। फाइल, न्यू के जरिए से न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ गया, इसको हम अच्छी तरह से देख चुके हैं पहले, ओके कर दिया, ये हमारे सामने एक नया पेज बना हुआ आ गया है। ये खाली पेज है, इसमें हम अभी देखेंगे कि टेबल किस तरीके से इन पेज में रहते हुए बनाया जाता है। टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंसर्ट के मेन्यू के अंदर है। इंसर्ट के मेन्यू के अंदर टेबल की ऑप्शन आपको नजर आ रही है, आप देख रहे हैं कि इसके आगे ये डॉट डॉट नजर आ रहे हैं टेबल के आगे, इसका मतलब है कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आएगा। आप देखिए कि इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने है, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने दो अहम वैल्यूज ऐड करनी है कि हमें अपने टेबल के अंदर कितनी रोज चाहिए, यानी कितनी लाइनें चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। तो मिनिमम टू ऐड हुए हैं क्योंकि डिफॉल्ट में टू दिए हुए हैं, क्योंकि अगर मैं अभी ओके कर दूंगा तो मेरे पास एक ऐसा टेबल बना हुआ आएगा जिसकी एक रो होगी और दो कॉलम्स होंगे, यानी उसके अंदर दो अलग अलग खाने बने हुए होंगे। तो इनको मैं कुछ मजीद इसके अंदर इजाफा करता हूं, जैसे मैं रोज जो है 5 कर देता हूं और कॉलम जो है मैं 4 कर देता हूं, और कॉलम इसकी जो कॉलम विड्थ है इसको ऑटो पे रहने दें, यही ठीक है क्योंकि हमें इससे ज्यादा फिलहाल जरूरत नहीं है उसकी। आप देखिए कि जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरा टेबल जो है स्क्रीन के ऊपर बन गया। अब इस टेबल से मुतल्लिक कुछ बातें समझने की हैं, कुछ लिखने के लिए अपने पास जरूर रखें ताकि आप इन चीजों को नोट कर सकें। अभी जो हमें टेबल विजिबल है हमारी स्क्रीन के ऊपर, अगर हम प्रिंट आउट लेंगे इस टेबल के अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करके, तो इस टेबल की जो लाइनें हमें नजर आ रही हैं, जो खाने बने हुए नजर आ रहे हैं, ये विजिबल नहीं होंगे प्रिंट आउट के अंदर। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये प्रिंट आउट के अंदर विजिबल हो जाए, तो हम पहले टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर टेबल को राइट क्लिक करके टेबल के फॉर्मेट में हम जाते हैं। टेबल को फॉर्मेट करने से मुतल्लिक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, टेबल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया। हम देख रहे हैं कि सेल से मुतल्लिक, कॉलम से मुतल्लिक ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। यहां हमें देखना है कि हमारी जो लाइंस इनविजिबल हैं, इनको हम विजिबल कैसे कर सकते हैं, यानी अगर हम कोई टेक्स्ट इस टेबल के अंदर ऐड करेंगे तो ये किस तरीके से ये लाइंस विजिबल उसके साथ होंगी, अदरवाइज ये कि ये विजिबल नहीं होंगी। यानी हम प्रिंट आउट लेंगे तो हमारा टेक्स्ट तो आएगा लेकिन ये लाइन्स हमें प्रिंट आउट में नजर नहीं आएंगी। तो हम उसके लिए जैसे जब हमने बॉर्डर दिया था अपनी ड्रॉइंग्स को, पिक्चर बॉक्सेस को, या जो हमने ड्राइंग बनाई थी या लाइंस टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को, उसी तरीके से हमारे पास आप देखिए कि बॉर्डर की ऑप्शन है। आप देख रहे हैं कि स्टाइल में नन है, यानी इधर कोई भी लाइन इसके अंदर ऐड नहीं हुई, इधर बिल्कुल कोई लाइन नहीं है। इनफैक्ट अगर हम प्रिंट आउट लेंगे तो कोई लाइन भी नहीं आएगी। अगर मैं यहां से कोई सी भी लाइन सिलेक्ट कर लूं किसी भी स्टाइल की, स्ट्रेट लाइन, प्लेन लाइन सिलेक्ट कर लूं, या कोई डॉटेड लाइन या डैश लाइन सिलेक्ट कर लूं, तो फिर ये लाइन हमारी विजिबल हो जाएगी। मैं एक नॉर्मल लाइन प्लेन लाइन सिलेक्ट कर लेता हूं और इसकी विड्थ जो हमारे सामने आपको नजर आ रही है 0.014, जो इंचेस की वैल्यू हमने डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में जाके चेंज की थी उस हिसाब से दी हुई है। तो इसकी विड्थ हम उतनी लाइन देते हैं जितनी हमारे सामने डिफॉल्ट में आ रही है, लेकिन हमने स्टाइल जो है हमारा, ये हमने लाइन एक स्ट्रेट लाइन दे दी है जो कि पहले नन था। इससे पहले आपने देखा था कि नन की ऑप्शन थी, लेकिन हमने यहां एक लाइन सिलेक्ट कर ली है। अब जब मैं ओके करता हूं और डी सिलेक्ट करता हूं अपने टेबल को, तो आप देख रहे हैं कि लाइन हमारे सामने डार्क हो गई है, बनी हुई नजर आ रही है। अब अगर हम प्रिंट आउट लेंगे तो ये लाइन इसी तरीके से हमें बनी हुई नजर आएंगी। अगर मैं बिलफर्ज कोई और लाइन यहां से ले लेता, राइट क्लिक किया, टेबल फॉर्मेट में गया, लाइन बिलफर्ज में हमारे पास एक ये डबल लाइन है ये ले ली होती, तो फिर मेरे टेबल की शक्ल कैसी होती इसको देखने के लिए हम ओके करते हैं। अब देखिए कि क्योंकि लाइन की विड्थ उतनी है इसलिए हमें फिलहाल वैसी ही लाइन नजर आ रही है। इसको दोबारा सेलेक्ट करके टेबल फॉर्मेट में जाके थोड़ी सी विड्थ हम इसकी बढ़ा देते हैं, ओके किया। अब देखने का वाजे फर्क नजर आ रहा है, कुछ लाइंस ज्यादा डार्क हो गई हैं। जूम की परसेंटेज हम बढ़ाते हैं
125% करते हैं। कुछ लाइन्स डार्क नजर आ रही है, इनफैक्ट ये हैं इक्वल हैं सारी, लेकिन हमारे व्यू में सिर्फ हमें इस तरह से नजर आ रही हैं। अब देखिए कि डबल लाइन की मैंने उसकी लाइन की विड्थ थोड़ी बढ़ाई है, तो ये इस तरह की हो गई है। दोबारा से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, टेबल फॉर्मेट, इसको दोबारा से हम 0.014 इसकी एक्चुअल वैल्यू एड हुई भी थी, दोबारा से हमने इसको उसी तरह से कर दिया। और जूम की परसेंटेज भी दोबारा से मैं 100% पे ले आता हूं, 100% पेज अब हमारे सामने आ गया है। हम दोबारा से इन लाइंस को उसी तरह कर देते हैं जैसा कि हमने टेबल क्रिएट किया था, तो हमारे सामने थी, टेबल फॉर्मेट में गए, स्टाइल में हमने नन कर दिया, ओके कर दिया। अब दोबारा से हमारा टेबल उसी शक्ल में आ गया जैसा कि हमने इसको क्रिएट किया था। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने एक सेल की या एक से ज्यादा सेल्स की हमने वैल्यूज चेंज करनी हो, पूरे टेबल की हम चेंज ना करना चाहें, तो वो किस तरीके से की जाती है। आपने देखा था कि मैंने पूरे टेबल के प्रॉपर्टी को, फॉर्मेट को चेंज करने के लिए पूरे टेबल को सिलेक्ट किया था। तो अगर हम पूरे टेबल को सिलेक्ट ना करें, चंद सेल्स को सिलेक्ट कर लें, यानी जितने सेल्स भी हम उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, बिकॉज मैंने ये चार सेल्स सिलेक्ट किए हैं, इस पर राइट क्लिक किया, टेबल फॉर्मेट में गया, लाइन मैंने नन थी, लाइन अपियर हो गई है 0.014 साइज की, कलर लाइन का मैंने रेड कर लिया, ओके कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा बाकी जो हमारा टेबल है वो उसी तरह से है, सिर्फ ये चार सेल्स जो थे पहले दो कॉलम्स की जो दो रोज हैं ये दोनों अपियर हो गई हैं। अब प्रिंट आउट में ये हमारी जो चार सेल्स हैं ये नजर आएंगे, बाकी सारा कुछ नजर नहीं आएगा। या ये कि हम सिलेक्ट करके सारों का कलर अलग कर सकते हैं, किसी एक से ज्यादा सेल्स का कलर जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम दोबारा से टेबल फॉर्मेट में जाके रेड कलर को हम खत्म कर देते हैं, यहां से हमारे यहां से ब्लैक कलर था और लाइन में नन थी, ओके कर दिया। दोबारा से हम उसी पोजीशन पे आ गए, यानी हमारा टेबल प्रिंट आउट में विजिबल नहीं होगा। अगर हम ये चाहें कि हम अपने सेल्स का, कॉलम्स का, रोज का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर लें, तो हम वो किस तरीके से करेंगे। आप देखिए कि मैंने एक सेल यहां से सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैं एरो की के जरिए से मैंने एक सेल आसानी से सिलेक्ट कर लिया, अदरवाइज अगर मैं माउस से करता तो एक से ज्यादा सिलेक्ट हो जाते। राइट क्लिक, टेबल फॉर्मेट, ये फिल कलर है, यानी ये बैकग्राउंड कलर है मेरे सेल का, इसमें मैं कोई कलर ऐड कर देता हूं। यहां से कलर जब हमने बनाने का तरीका सीखा था, तो हमारा वो कलर जब बन जाएगा, अगर हम कोई नया कलर क्रिएट करते हैं तो हर लिस्ट के अंदर वो कलर अपियर होगा उस डॉक्यूमेंट की। हमने यहां सियान कलर जो है हमारे पास है वो हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। हम इसकी आउटलाइन जो है उसका कलर बिल्कुल डार्क ब्लू कर देते हैं, आउटलाइन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर दिया। आप देख रहे हैं कि हमारा एक सेल जो है इसका बैकग्राउंड कलर सियान है, इसकी आउटलाइन जो है ये डार्क ब्लू है और इसका कलर चेंज हो गया। अब अगर मैं इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करूंगा, इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स मैंने इसमें टाइप किया, तो आप देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड कलर के साथ आ रहा है ये सेल, और ये अपीयर भी होगा और इसी तरह से प्रिंट आउट में इसी कलर का आएगा अगर हमारे पास कलर प्रिंटर होगा। तो दोबारा से हम अपने सारे सेल्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट करके इसकी वैल्यूज को हम दोबारा से ओके कर देंगे, तो सारी की वैल्यूज इस तरह से ठीक हो जाएंगी। तो अपने इस लेसन के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से टेबल बनाए जाते हैं। आपको बताया था कि टेबल के हर सेल की अपनी एक पेज जैसी वैल्यू होती है, यानी अलाइनमेंट के लिहाज से, टेक्स्ट की पोजीशन के लिहाज से। आप देखिए कि मैं सेंट्रल लाइन करूंगा तो मेरा कर्सर जो है वो सेंट्रल लाइन हो गया, अगर मैं लेफ्ट पे जाता हूं तो लेफ्ट हो गया, राइट पे गया तो राइट हो गया, यानी उसी लिहाज से मैं अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकता हूं। कुछ टेक्स्ट हम ऐड कर चुके हैं उसके बाद हम टेबल ऐड करें तो टेबल उस पोजीशन के लिहाज से आएगा, और अगर हम टेबल बना लें और फिर हमें यह ख्याल हो कि टेबल हमें यहां जरूरत नहीं है, तो हम टेबल को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए के जरिए सारे पेज की मैंने सिलेक्शन ले ली और डिलीट के जरिए से मैंने टेबल अपना खत्म कर दिया। तो अपने इस लेसन के अंदर हमने तफसील से देख लिया कि टेबल किस तरीके से बनाया जाता है इन पेज के अंदर रहते हुए।